इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में टास्क बार में लैंग्वेज बार किस तरह दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज बार नहीं दिखाई दे रहा है। लैंग्वेज बार को लैंग्वेज इनपुट इंडिकेटर भी बोलते हैं। यहाँ पर वो दिखाई देता है टास्क बार में, लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। तो किस तरह आप ला सकते हैं लैंग्वेज बार को टास्क बार में, चलिए देखते हैं। तो टास्क बार में लैंग्वेज बार ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है, फिर आपको टास्क बार में क्लिक करना है और नीचे आना है आपको। यहाँ पर यहाँ आपको दिखेगा नोटिफिकेशन एरिया, उसमें आपको दिखेगा टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखेगा इनपुट इंडिकेटर, तो ये ऑफ है, आपको इसे ऑन करना है। तो मैं इसे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया, यहाँ पर लैंग्वेज बार दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज इनपुट इंडिकेटर टास्क बार में अब शो हो रहा है, ये यहाँ देख सकते हैं आप। तो इस तरह आप इनेबल कर सकते हैं लैंग्वेज इंडिकेटर लैपटॉप में।